हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे एंड आई नो आप सब एक्साइटेड भी हैं बिकॉज फेस्टिव सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सारे त्यौहार एकदम लाइन से स्टार्ट होने वाले हैं। करवा चौथ में तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की करवा चौथ की प्रेपरेशंस कैसी चल रही हैं। मैंने तो करवा चौथ की सारी अपनी प्रेपरेशंस कर ली हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया है करवा चौथ स्पेसिफिक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने हाथों की मेहंदी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवाई है। मैंने कल मेहंदी लगवाई थी, दैट इज़ 13th of October को मेहंदी लगवा ली थी करवा चौथ की, बिकॉज आज मेरी फ़्लाइट है अर्ली मॉर्निंग। 15th of October की मेरी फ़्लाइट है, तो मैं शिकागो जाने वाली हूँ फाइनली नाउ। तो मुझे नहीं पता था US में इतनी अच्छी मेहंदी कौन लगाता है, तो US में तो हम खुद ही से मेहंदी लगा लेते हैं। इसीलिए मेरी मम्मा ने बोला इस बार तुम यहाँ हो तो अपने हाथों में अच्छे से मेहंदी लगवा के फिर अपने घर जाओ, जिससे कि तुम्हें वहाँ जाके करवा चौथ की मेहंदी की टेंशन ना हो। तो ये देखिए, मैंने पूरे यहाँ तक मेहंदी लगवाई है। इसका क्लोज व्यू मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, पिक्चर एज वेल एज वीडियो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए मेरा मेहंदी का क्लोज व्यू देखने के लिए। और अब मैं आपको सामान दिखाती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये फ्लोरल कड़े जो मैंने अपने लिए लिए हैं, बहुत ही प्रिटी है। मुझे नहीं पता कि मैं ये करवा चौथ पे पहनूंगी या दिवाली पे पहनूंगी, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे थे तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और ये मल्टी कलर के हैं तो किसी भी ड्रेस के साथ मैच कर जाएंगे और पहने हुए भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। आजकल फ्लोरल ज्वेलरी का मार्केट में इतना ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि आप पूछिए मत। अलग अलग डिज़ाइंस में अलग अलग तरीके के ब्रेसलेट्स, कड़े, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन फ्लोरल ज्वेलरी। तो मैंने भी सोचा थोड़ा सा मैं फ्लोरल ज्वेलरी में कुछ अपने लिए लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 3 different कलर के ये ब्रेसलेट्स लिए हैं, पिंक, येलो एंड ग्रीन। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेसलेट लगता है ये पहना हुआ। अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, फ्लोरल ज्वेलरी की कैटेगरी में ही मैंने ये हथ फूल लिया है अपने लिए। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है पहना हुआ। और इसकी एडजस्टेबल रिंग है, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फिंगर के साइज़ के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे ये पहन के इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, एकदम प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक ले लेते हैं करवा चौथ पे, नहीं तो दिवाली पे कभी ना कभी ये पहनने के काम आ जाएगा। और इसका कलर भी इतना ज़्यादा फ्लोरोसेंट एंड वाइब्रेंट है, लाइक रेड एंड येलो फ्लावर्स तो किसी भी कलर के साथ चले जाते हैं। तो ये मैंने एक लिया है अपने लिए। अब मैं आपको अपने कड़े दिखाती हूँ जो मैंने अपनी साड़ी के मैचिंग के लिए हैं। तो ये देखिए, ये हैं मेरे कड़े। ये थ्रेड वर्क पे काम हुआ हुआ है, स्टोन वर्क हुआ हुआ है इस पे, एंड इट वाज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल जब मैंने इसे किनारी बाज़ार पे देखा था। ये मैंने चांदनी चौक की किनारी बाज़ार से लिया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगा तो मैंने ये बाय कर लिया। मैं साड़ी पहनने वाली हूँ रेड एंड ब्लू कलर की, तो उसके साथ ये बहुत अच्छे से मैच कर रहा था, तो मैंने ये दो कड़े ले लिए हैं। एंड इट वॉज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, आई थिंक मैंने ये पेयर 125 rupees का लिया था। इस पर ये जो स्टोन वर्क हो रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लग रहा है। तो ये लटकन अलग से लगवाई थी मैंने, ये चाहे तो लटकन हटा भी सकते हैं, चाहे आप इसे लटकन के साथ पहने, बट मैंने ये लटकन लगवा कर लिए थे जिससे कि ये थोड़ा सा हैवी लुक दे पहनने के बाद। और चाहूँगी तो ये लटकन आराम से मैं खुद ही से रिमूव कर सकती हूँ। और कड़े पे ये थ्रेड वर्क हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में। और सेम पैटर्न पे मैंने येलो कलर के कड़े भी लिए हैं। ये देखिए, बिल्कुल इनका वर्क वगैरह सब कुछ सेम है, बस कलर डिफरेंट है, तो मैंने सोचा ये भी किसी ड्रेस के साथ मैं मैच कर लूँगी अपने। तो ये वाले मैंने येलो कड़े लिए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कड़े कैसे लगे। मैं जब भी इंडिया से जाती हूँ बिंदी के पत्ते ज़रूर लेके जाती हूँ, बिकॉज US में बिंदी की वैरायटी बहुत ही कम रहती है और उन लिमिटेड वैरायटी में से अपने लिए चूज़ करना और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। इसीलिए मैं अपना बिंदी का स्टॉक अच्छे से पूरा करके यहाँ से लेके जाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये दो बिंदी के पत्ते लिए हैं। एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन वर्क में रेड कलर की बिंदी ली है। कभी कभार जब आप अच्छे से इंडियन एथनिक वेयर करो तो ये वाली बिंदी बहुत सुंदर लगती है लगाई हुई। और एक मैंने ये सिंपल सिंगल स्टोन में बिंदियाँ ली हैं। मुझे इस टाइप की बिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं ये तो डेली वे भी वेयर कर लेती हूँ। और सिंपल मैंने इस तरीके की ब्लैक कलर की और रेड कलर की शिल्पा के जो कार्ड्स आते हैं बिंदी के, वो भी लिए हैं।
बट ये वाले थोड़े से फेस्टिव सीजन के लिए मैंने लिए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टोन वर्क वगैरह है, तो ये प्रॉपर इंडियन एथनिक वेयर के साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. और मैंने ये लिया है ब्लू हेवन का मरून कलर का सिंदूर. सिंदूर वगैरह की भी क्वालिटी ना US में बहुत अच्छी नहीं मिलती है, और अच्छे ब्रांड्स वहाँ पे फाइंड करना थोड़ा सा टफ होता है. इसीलिए जब भी मैं इंडिया से कोई आता है या मैं आती हूँ तो सिंदूर ज़रूर यहाँ से लेती हूँ. तो कभी लैक्मे का, तो कभी मैं ब्लू हेवन का. ये ब्लू हेवन का भी बहुत अच्छा है, तो मैंने ये मरून कलर में लिया है. देखिए मैंने लगा रखा है. इसका रेड कलर मेरे पास ऑलरेडी है, इसीलिए मैंने इस बार सोचा चलो मरून कलर का ले लेती हूँ. क्योंकि अब मैं आपको अपनी ज्वेलरी शॉपिंग दिखाती हूँ. मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी की भी शॉपिंग की है. तो सबसे पहले देखिए मैंने ये पायल ली है. मैं पायल बहुत ज़्यादा नहीं पहनती, बट करवा चौथ वाले दिन मैं नई पायल पहनने की कोशिश करती हूँ हर बार. तो इस बार देखिए मैंने ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया है अपने लिए. ये मेरी मम्मा ने मुझे दिलवाई है. बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, स्लीक सा डिज़ाइन है. इसमें बहुत ज़्यादा घुंघरू वगैरह नहीं है, और इसका डिज़ाइन ऐसा है कि कपड़ों वगैरह में नहीं फंसता. तो अक्सर जो पायल होती है ना, वो साड़ी में या कपड़ों में आपके नीचे से फंस जाती है, जिसकी वजह से कपड़े फट जाते हैं. बट इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये कहीं पर भी अटकेगा नहीं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. और ट्राई करके मैंने देखा था, चुभ भी नहीं रहा था. अदरवाइज़ मुझे पायल बहुत चुभती है, जिसकी वजह से मैं पायल बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं करती. तो मैंने सोचा चलो ये डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है. ये देखिए थोड़ा सा क्लोज भी है उसका. और साथ ही में मैंने ली है चुटकियाँ, जिसे हम बिछिया भी कहते हैं. तो हमारे कल्चर में बिछिया पहनते हैं, बहुत शुभ माना जाता है इसको, हर मैरिड लड़की पहनती है. तो ये देखिए, एक तो ये सिंपल सा डिज़ाइन है, ये वाली ली है, और एक ये वाली ली है. मैं अपने दो उंगलियों में पहन के रखती हूँ बिछिया, और मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन पहनने का शौक है. तो एक के लिए मैंने ये लिया है, और एक के लिए ये. बहुत ही स्लीक सिंपल डिज़ाइन है, डेली वेयर वाला डिज़ाइन है, इसीलिए मैंने ये वाले चूज़ किए. और गले में पहनने के लिए मैंने ये प्यारा सा नेकलेस लिया है. इसका ये प्यारा सा छोटा सा पेंडेंट है, ये देखिए मोर का डिज़ाइन है, और बहुत ही स्लीक सिंपल एंड एलिगेंट डिज़ाइन मुझे लगा. तो मैंने सोचा चलो मैं ये ले लेती हूँ. और इस पेंडेंट के साथ सेम इसके इयररिंग्स आए हैं, ये देखिए. बिल्कुल भी हैवी नहीं है, जैसे हैवी लुक ये दे रहे हैं, बिल्कुल वेट में बिल्कुल भी नहीं है. तो आपको इरिटेट भी नहीं करेंगे. लाइक व्रत वाले दिन आप बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहन पाते, लाइक मैं तो नहीं पहन पाती, इसीलिए मुझे ये सिंपल सा डिज़ाइन इसका अच्छा लगा. तो मैंने सोचा चलो इसे मैं ले लेती हूँ, और इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ. होपफुली मैं इसे करवा चौथ पर पहनूंगी. एंड इसका कलर वगैरह ऐसा है कि ये हर ड्रेस के साथ चल जाएगा, तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा. और मेरे पास ना एक हैवी मंगलसूत्र था जो मुझे शादी में मिला था, गोल्ड वाला. और मुझे हमेशा से एक स्लीक सा सुंदर दिखने वाला पतला सा मंगलसूत्र चाहिए था, तो मैंने ये अपने लिए एक मंगलसूत्र बाय किया है इस बार. ये देखिए कैसा लगा मेरा नेकलेस और मंगलसूत्र का डिज़ाइन, मुझे ज़रूर बताइएगा. ये मुझे स्लीक सा बहुत ही सुंदर लगा, इसलिए मैंने इसे बाय कर लिया. एक बार मैं इसको पास से आपको दिखाती हूँ इसका डिज़ाइन, ये देखिए. तो ये थी मेरी ज्वेलरी शॉपिंग. और मैंने सोचा था कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सुंदर सुंदर सजी हुई थालियाँ, छलनी और लोटे वगैरह भी मिलते हैं, बट स्पेस कंस्ट्रेंट और वेट कंस्ट्रेंट की वजह से मैं वो सब नहीं ले जा पा रही. इसीलिए मेरी मम्मा ने ये मुझे चांदी की थाली दी है पूजा करने के लिए. ये देखिए इसकी ये दो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, और इसमें ही छोटी सी एक लुटिया लगी हुई है. तो ये बहुत ही सुंदर मुझे लगी, छोटी सी है, तो इसे आप नॉर्मल डेज में पूजा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और करवा चौथ पे तो ये वैसे ही यूज़ करते हुए अच्छी लगेगी. तो लाइट वेट है ये, तो मेरे सामान में आराम से आ जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं ये ले जाती हूँ. और साथ ही में करवे की जगह मम्मी ने ये चांदी का एक लोटा मुझे दिलवाया है. हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता है फर्स्ट करवा चौथ पे मम्मा अपनी बेटी को इस तरीके से चांदी का करवा देती है. तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ तो US में ही रहा है, सेकेंड और थर्ड भी. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि करवा चौथ के टाइम पे मैं यहाँ हूँ, बट इस बार मैं यहाँ थी तो मेरी मम्मी ने मुझे ये चांदी का करवा दिलवाया है. एनीवेज़ मेरे पास मिट्टी का भी करवा है, बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड करवा, जो मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ किया था. तो मैं वो भी आपको शिकागो जाके दिखाऊंगी, बट इस बार मैं ये वाला करवा यूज़ करने वाली हूँ अपना व्रत खोलने के लिए, और ये वाली प्लेट यूज़ करने वाली हूँ पूजा करने के लिए.
तो बस यही सब कुछ मैंने खरीदा है करवा चौथ के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा बिकॉज आप सब जानते हो जब हम इंडिया से जाते हैं तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कि वेट कंस्ट्रेंट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत ही सामान जा पाता है, इसीलिए मैंने बहुत ही स्लीक स्लीक छोटी छोटी चीज़ें ही ली हैं अपने लिए करवा चौथ के लिए एंड आप लोगों के साथ भी शेयर किया। वैसे मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सारा सामान दिया है और भी लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह बहुत कुछ दिया है जो मैं आप लोगों के साथ शिकागो जाके ही शेयर करूँगी एक साथ। कई सारी वीडियोज़ मुझे लगता है मुझे बनानी पड़ेंगी क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है कि एक वीडियो में तो वीडियो बनाते बनाते वीडियो शायद एक घंटे लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं उसे पार्ट्स में ब्रेक करके आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या सामान इंडिया से लेकर जा रही हूँ। मेरे ऑलरेडी बैग्स पैक हो चुके हैं, बस अब कुछ ही घंटे में मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगी और आई विल बी बैक इन शिकागो। तो अब आपको शिकागो व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी फ़्लाइट कब की है, तो मेरी फ़्लाइट आज रात की ही है, लाइक अर्ली मॉर्निंग 15th अक्टूबर की, और टाइम डिफरेंस की वजह से मैं 15th अक्टूबर को ही शिकागो पहुंच जाऊंगी और फिर सारे फेस्टिवल्स मैं अपने घर में मनाऊंगी, करवा चौथ, दिवाली और फिर भाई दूज वगैरह सब मेरा वहीं पर मनेगा। और आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से सारे फेस्टिवल्स अपने घर में मना रही हूँ। मैंने बहुत सारा घर के डेकोरेशन के लिए भी सामान लिया है, तो अब आप गियर अप हो जाइए, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं होम डेकोर के ऊपर, दिवाली होम डेकोर के ऊपर, तो वो सब भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही सब था। और यस, मेहंदी के डिज़ाइन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा बिकॉज़ यहाँ पे मैं आपको इंट्रिकेटली नहीं दिखा पाऊँगी कि डिज़ाइन कैसा है, बट मैं इंस्टाग्राम पे कोशिश करूँगी एक छोटी सी वीडियो बना के आपको मेहंदी का डिज़ाइन दिखाऊँ। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, इसमें फिगर्स वगैरह भी बनी हुई हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा ये मेहंदी का डिज़ाइन देखने के लिए। एंड मैंने ये जल्दी जल्दी में वीडियो फिल्म करी है बस आप लोगों के लिए, बिकॉज़ होता है ना कि आप शायद कोई आपको इस वीडियो से आइडिया ही मिल जाए कि आपको क्या खरीदना है अपने लिए करवा चौथ के लिए या किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो फटाफट से मैं बना के आप लोगों के लिए डाल दूं। दो मेरी आज फ़्लाइट है, मुझे अभी पैकिंग भी करनी है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ मैं अपना सामान थोड़ा सा शेयर करूं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आई है, सामान पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा सभी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सभी लेडीज़ के साथ जो करवा चौथ सेलिब्रेट करने वाली हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो, एंड सॉरी फॉर माई बैड वॉइस, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो इसीलिए आपको थोड़ी गड़गड़ाहट सुन रही होगी मेरी आवाज़ में, बट आई विल बी सून फाइन जब मैं वहाँ चली जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करूँगी तो मेरा गला वगैरह भी सब ठीक हो जाएगा। तो बस यही था और इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और यस, इस वीडियो को वाइंड अप करते करते मैं एक बार फिर से आपको बोलूँगी कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन्जॉय करिए इस फेस्टिव सीजन को। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।